तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से हो, मैं भी तो देखूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। तो आप कमेंट करके बताओ और मैं सबका रिप्लाई करूंगी। तो आप कमेंट कर। ज्यादातर औरतें 3 बार में शॉपिंग करती हैं। पहली बार देखने जाएंगी, तो दूसरी बार खरीदने जाएंगी और तीसरी बार बदलने जाएंगी। लेकिन एक बात है भाई, गोलगप्पे 3 बार ही खाएंगी। अगर पत्नी घर की लक्ष्मी होती हैं, तो ये फिर पैसे क्यों मांगती हैं? भाई हाँ, एक बात बतायो यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? कदर कर लो ठंड की, अभी फ्री में मिल रही है, 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड करवा रखी है तो थोड़ी सी बर्फ भी गिरा दो, ताकि मनाली जाने के सपने भी पूरे हो जाए। सर्दियां तो पालक बथुआ मेथी मटर छीलने में और कंबल रजाई फोल्ड करने में ही निकल जाएंगी। जब तक ये काम खत्म होंगे, तब तक फ्रिज में बोतल भरकर रखने वाला सीजन शुरू हो जाएगा। उससे थोड़ी राहत मिलेगी, फिर वो पकौड़े तलने वाला सीजन शुरू हो जाएगा। मतलब हम औरतों को भैया, जब तक जिंदगी है ना, पेट भर के खा लिया करो, मरने के बाद तो घर में नहीं आवाज आया करेगी, जा रे जा छोरा अपने बाबा के भोग लगा दे। कदर कर लो ठंड की, अभी फ्री में मिल रही है, 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी में ढूंढोगे। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड करवा रखी है तो थोड़ी सी बर्फ भी गिरा दो, ताकि मनाली जाने के सपने भी पूरे हो जाए। आज तो नहा लो जाकर, अब तो गीजर भी लगवा दिया। तो गीजर गर्म पानी ही तो दे, नहाने का हौसला थोड़ी दे वो। एक सवाल पूछना था, वो कुछ साल पहले लाल दुपट्टा उड़ गया था हवा के झोंके से, वो किसी को मिला क्या? हाँ, दुनिया पैसों के पीछे भागती, हम नहीं भागते। सही बात, सांस फूल जाती ना। अलग भैया, यहाँ देखे ना हमारी तरफ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है पगली। सही पकड़े हैं। और तुम कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी है? उका है ना कि हमरा मन ही ना आए भर रहा है, हमरा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भेस करे, आइए ना हमरे पास। आपको पता है, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। अब तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय दिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था, तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। हर बार उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, घी को गरम कर ले। अगर विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन है, वो पति पत्नी भी हो सकते हैं। सुनो ना, आपकी जो ब्लैक वाली शर्ट थी ना, वो प्रेस करते वक्त मेरे से जल गई। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक और शर्ट है वैसी ब्लैक कलर में। मुझे पता था, इसीलिए मैंने उसी में से उतना कपड़ा काट कर उसमें लगा दिया। अरे सूरज भाई। हाँ भाई। दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज कहाँ उड़ी? कहाँ उड़ी पता नहीं यार, तू ही बता दे। हवा में। अरे रुक, अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। हाँ ठीक है, पूछो। चलिए बताओ कि दुनिया में सबसे पहला गाड़ी कहाँ चली? कहाँ चली बता बता। अरे यार भाई, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। जमीन पर। जब आपको अपनी ही बीवी से प्यार होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। చిన్న స్వామి ముత్తుస్వామి వేణుగోపాలయ్య బేబీ చలో హమ్ లోగ్ చల్ కే నాగిన్ డాన్స్ కర్తే హా చలో మే నా నాగిన్ బనుంగా తుమ్ బీన్ బజానా నహీ మే
मैं नागिन बनूंगी। अरे तुम तो नागिन हो ही यार।